एक तो मेरी जिंदगी से रिलेटेड आप लोगों को बड़ी टेंशन है, आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? भाई मुझे जिंदगी में ग्रो नहीं करना, मैंने जिंदगी में तरक्की नहीं करनी, मेरे लिए जिंदगी में अगर कोई ऑप्शन या कोई रास्ता है तो मुझे वो नहीं चूज करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन मिले कि सारी दुनिया जमीन छोड़ के चांद पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि चांद पे फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये चांद पे आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैंने पाकिस्तान का जो फ्लाम पिंड है उसमें बैठे रहना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सोफिया और हमेशा की तरह ट्यूसडे वेंसडे आपका और मेरा जो है वो साथ होता है इंस्टाग्राम के थ्रू। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम है ये मेरे घर की एक विंडो है और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करती हूँ अपने घर पर। और आप सब लोगों के या बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब लोग मेरे हर इनविटेशन पर आ भी जाते हैं। आज का सेशन जो है वो मैंने आप लोगों से ही पोलिंग करवाई थी कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, और आप लोगों ने कहा कि मैंने दो टॉपिक दिए थे। एक टॉपिक ये था कि लड़कियों को हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि जब तुम अपने घर जाओगी तो फिर अपने घर जाकर तुमने जो भी करना होगा करना, इवन उनको पढ़ाई का भी कहा जाता है ना, तो वो भी यही होता है कि भाई जब तुम अपने घर जाओगी तो तब कर लेना। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैंने आपसे शेयर भी किए थे रिजल्ट। आप लोगों में से मेरा ख्याल है 85-83% लोगों ने कहा कि लव एंड लस्ट जो है ना इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। तो अब मैं वो लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगी जो हम अक्सर करते होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि क्या बात है, मोहब्बत जिंदाबाद। आप सब लोगों को जो है वो मोहब्बत से कितना ज्यादा शगफ है, कितना ज्यादा इंटरेस्ट है कि आप लोगों ने लड़कियों के हकूक और लड़कियों के मसाइल छोड़ के आप लोगों ने कहा जी लव और लस्ट पे बात होनी चाहिए। मुझे एक सवाल मेरा आप लोगों से है, लव और लस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है आप लोगों के ख्याल में? लव, मोहब्बत, प्यार, जिसके बारे में यूजुअली लोग कहते हैं कि जी मैं तो जी नहीं सकता मोहब्बत के बगैर, मैं तो मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और दूसरी तरफ लस्ट है, लस्ट जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो शुरू करते हैं आपकी बातों का सिलसिला, और प्लीज मुझे जरूर जवाब दीजिएगा कि लव और लस्ट में क्या डिफरेंस है। आपकी कॉल्स भी लेती हूं और बात करेंगे आज लव और लस्ट, प्यार या ये लस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, हवस प्यार या हवस, कितना गंदा लफ्ज है वैसे, और मोहब्बत या फिर लव और लस्ट। एक तो मेरी जिंदगी से रिलेटेड आप लोगों को बड़ी टेंशन है, आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? भाई मुझे जिंदगी में ग्रो नहीं करना, मैंने जिंदगी में तरक्की नहीं करनी, मेरे लिए जिंदगी में अगर कोई ऑप्शन या कोई रास्ता है तो मुझे वो नहीं चूज करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन मिले कि सारी दुनिया जमीन छोड़ के चांद पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि चांद पे फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये चांद पे आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैंने पाकिस्तान का जो फ्लाम पिंड है उसमें बैठे रहना। ऑफ कोर्स, अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आपको विजन है, अगर आपको अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है, तो आप सोचेंगे अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए। और जहां पर भी इंसान के बच्चों का बेहतर फ्यूचर होता है वो सफर करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हिजरत करो, अगर तुम्हारा रिस्क रुक जाता है, अगर तुम्हारा काम रुकता है तो हिजरत करो, हिजरत में बरकत है। अगर मैं पाकिस्तान से अमेरिका में आई हूं और अगर मैं यहाँ पर रुक गई हूँ 6 महीने साल, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पैदा हुई हूँ पाकिस्तान में, मेरा मेरी जायदादें सारी पाकिस्तान में है। और वो टिकटॉक वाला क्या है जो कहता है जायदादा बेच देंगे, मैं जायदादें नहीं बेचूंगी, मैं वापस पाकिस्तान आऊंगी, आप फिक्र ना करें, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मुझे अपने बच्चे को सेट करना है, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। ये तो था मरीना को जवाब, मैं बात करूंगी इधर, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। मैंने कॉल मिलाई है और देखते हैं कि मलिक साउद, मैंने आपको कॉल मिलाई है,
कुलवेज ने कहा, लव इज बेसिकली अ वास्ट कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन अंडरस्टैंड. लव डोंट डिमांड एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग. इट्स प्योर वाइब थॉट. लस्ट इज अ फन फॉर शॉर्ट पीरियड. ऑसम, क्या प्यारी बात की कुलरेज आपने. और कार ने कहा, हाय मैडम, हेलो. और एम के ने कहा, सोफिया, आर यू इन लव दिस टाइम. मेरे पास तो टाइम ही नहीं, आप लव की बात करें मुझे तो रोटी खाने का टाइम नहीं मिल रहा. मैं तो घड़ी की सुइयों के हिसाब से चल रही हूँ. लव तो करते हैं अमीर लोग, और जिन्होंने काम नहीं करना होता वो लोग लव करते हैं. मेरे पास कहाँ मोहब्बत का वक्त है, मैं दाल दलिया कमाऊं या मोहब्बत करूं. आप दाल दलिया ही बनाए तो बेहतर है. आपकी दाल भी अच्छी होगी और दलिया भी अच्छा होगा. अली क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठाक खैरियत से. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और मैंने सोचा कोशिश करती हूँ अपनी से बात करने के लिए. बहुत प्यारी काम करते हैं हम. बड़ी ही टॉपिक आज बड़ा कंट्रोवर्शियल है. मैंने कहा चुप के रखो, वो सारे टॉपिक जो कंट्रोवर्शियल है उस पर किसने बात करनी है, मैंने तो करनी है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो टॉपिक क्या है, लव और लस्ट? अली तुम बताओ, लव या लस्ट? अच्छा आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक बात बताता हूँ. दिस इज हाउ इट इज. देखें ये दोनों चीजें जो है ना, ये कनेक्टेड है. ठीक है, अगर लव है, अब लव तो आपको बहुत किस्म का हो सकता है. लव जो है वो एक बाप और बेटी का, एक माँ और बेटे का, एक बहन भाई का, वो भी तो लव है ना. ठीक है, जो आपका आपकी पार्टनर के साथ या आपकी बीवी के साथ जो लव होता है, या पार्टनर के साथ जो लव होता है, वो इट हैज टू हैव लस्ट एज वेल. अगर नहीं होगा उसके अंदर तो वो औरत तो वैसे ही उसको छोड़ के चली जाएगी, या भी छोड़ के जा सकती है. औरत की छोड़ के चली जाएगी. औरतें बेचारी जो है वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं करती ज्यादा लस्ट वगैरह, वो तो कहती है बस. आप वो देखे बास में, वो ये सोचेगी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह में, मतलब अली पता था. मैंने इसीलिए कॉल करी थी, मैंने इसीलिए कॉल मिला दी थी. मैंने कहा अली ने नया एंगल लेके आना है. मतलब देखे ना, आप खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह में नहीं, लेकिन उसके लिए लस्ट, लस्ट से थोड़ी गिलास तोड़ने की नौबत आती है. मतलब लस्ट कोई जरूरी थोड़ी है. देखो देखो लस्ट का मतलब है आगे काम चलेगा ना. अच्छा चलो ठीक है. फिर आप ये भी तो देखें ना, एक अट्रैक्शन भी तो होती है ना. ये बोथ थिंग्स आर वेरी कनेक्टेड टुगेदर, मेरा हिसाब किताब. ठीक है ना जी, और आप हिसाब किताब मुझे पता है. तेरी उम्र कितनी है मुझे पता ही नहीं कुछ था. तेरा हिसाब किताब जैसा वो बड़ा बिखरा हुआ है. नहीं बिखरा हुआ तो है, लेकिन बाहर हल नहीं भाई. ये देखें दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, दोनों चीजें होती हैं. लेकिन अब आप ये पूछें कि लव ज्यादा बेहतर है या लस्ट ज्यादा बेहतर है. चले अली गाजी ये बताएं कि लव ज्यादा बेहतर है या लस्ट ज्यादा बेहतर है. अच्छा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कौन खड़ा है. अच्छा चलो ये बताओ कि अगर कभी बहुत ही दिल एमी होता है ना, मतलब बस जरूरत की बात हो जाए. हाँ. बस तुम्हें कहना किसी तरह यार चलो वक्त गुजर आ रहा जाए, वक्त हाँ. गुजारी तो फिर आगे जो खड़ा हुआ है वो बदतरीन सा भी हो, बुरे से बुरा भी हो, तो फिर आप मर्द लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सोचते क्या है मेरा मतलब है. देखिए मैं तो इस बारे में मेरा जो अपना जो है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता. मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जो खूबसूरती वाला रिश्ता होता है और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी. लव इज वेरी, अगर मैं किसी से क्या तो वो आपको वो उस फीलिंग ही नहीं आती. मेरा अपना बाकी आप जो यहाँ पर इतने माशाल्लाह लगाए हुए हैं वो आपको बताएंगे सही मायनों में. आया कि मैं तो दफ्तर में बैठा हुआ था, ऊपर से मैं यहाँ अब एनर्जी
ताकि मुझे आप जरा क्लियरली नजर तो नहीं, मुझे पता है अली आप बहुत अच्छे बाप हैं, बहुत शफीक बाप हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले बाप हैं, आप बहुत अच्छे भाई हैं, आप बहुत अच्छे शौहर हैं और आप दोस्त बहुत अच्छे हैं। मैं अगर आपको दोस्ती के उसमें भी लेकर आऊं और मैं अपनी और आपकी बात करूं, तो दोस्ती में भी आप मोहब्बत निभाते हैं, और दोस्ती की जो एक मोहब्बत होती है ना, उसमें लस नहीं होती, उसमें फासले मैटर नहीं करते, उसमें दूरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लंदन में होते हैं, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, इसके अलावा आपके बेशुमार दोस्त पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, और आज तक कोई एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने आपकी बुराई की हो। तो आई थिंक कि आप बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड होना बहुत बड़ी बात है, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं सोफिया। ये आपकी ये आपका प्यार है, ये मेरा पोचा था, ये मैंने बटर लगाया और आपको पता मैं बहुत झूठी हूँ, आपने मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करा। नहीं, नहीं, आपके बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, कुछ लिखा हुआ भी है उन्होंने या क्या जो मैं बात करी है? मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी अकलमंदी वाली बात करी थी, लेकिन कोई किसी ने वो उसको लिफ्ट नहीं कराया। मेरा ख्याल है सारे जो है ना इस वक्त आपकी और मेरी ऐनक देख रहे हैं। कोई बात नहीं, देखने दें, इसी बहाने जो है ना एन के बिकना शुरू हो जाएंगे। हम तो आपको पता है जो करते हैं वो चीज बिकने लग जाती है। अजीज जी, लव इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इन द लिटरेचर एंड आर्ट्स, लव इन ऑल, वो मैसेज ही ऊपर चला गया। वेरी वेल सेड अली भाई, फराज ने कहा है, और यास्मीन ने कहा है वेरी नाइस टॉक विद अली काजी। यास्मीन थैंक यू सो मच। और टुनाइट आई हैव टू, अलसीफ ने कुछ कहा, अस्सलाम वालेकुम आपी, और जनाब बिफोर सनसेट वो कह रहे हैं, किधर गया जनाब, वी हैव ब्लेड कट्स ऑन योर अली। देखो ना इन बेचारों को कितनी फिक्र हो जाती है ना मेरी, क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आपकी बाजू पे ना ब्लेड की कट है और हमने वो देख ली है, इनको पता ही नहीं मैंने खुद लगाए हुए है ना। ये ब्लेड की कट नहीं, बाय द वे ये कुत्ते ने काटा था मुझे। कुत्ते चार टांगों वाले भी होते हैं, दो टांगों वाले भी होते हैं। ठीक है सोफिया, अब आपको मैं बाय टाटा करता हूँ। थैंक यू, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आपका एक्चुअली बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप सिर्फ खूबसूरत बाहर से नहीं है, अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है, और वी लव यू एंड वी लव दिस शो। थैंक यू सो मच, वी लव योर ब्रेव टॉपिक्स, जो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता, आप करती हैं, एंड आई एम ग्लैड कि आप सारे लोगों को एजुकेट भी कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच अली, एंड आई लव यू टू। बहुत ख्याल रखना इंशाल्लाह, जिंदगी की होंगी बहुत अभी, इंशाल्लाह। अली काजी ने हमें ज्वाइन किया था जी लंदन से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और उसके अलावा इनका प्रॉपर्टी में बहुत बहुत वसी एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा काम करते हैं। अभी ये लोग काम कर रहे हैं हलाल प्रॉपर्टीज के लिए लंदन में, इनका एक प्रॉपर सेटअप है, मैं शेयर भी करूंगी आपके साथ इंस्टा पर, जिसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंदन में, दुनिया के किसी भी कोने से आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इनके साथ हलाल मोर्गेज यानी के सूद से पाक मोर्गेज जो है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात हो रही है जी लव और लस्ट की, आप सबकी बातें भी सुनी और थोड़ी सी बात मैं भी करती हूँ, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट रह गए हैं, 1.5 घंटा हो जाएगा, और मुझे फिर आपसे इजाजत भी लेनी है, मेरी बात कल भी रह गई थी। लव और लस्ट आज का टॉपिक था, आप सब लोगों की मर्जी चॉइस के साथ ये टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया गया था। आप सब लोगों ने जितनी भी बातें की हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा है जी लस्ट होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि नहीं जी लव होना चाहिए। जाती तौर पर मैं अपना अगर ओपिनियन आपको दूं, या मैं ये बताऊं कि मैं क्या समझती हूँ लव होना चाहिए लस्ट होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट, जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया।
मेरे अपने जहन और शऊर और अकल और एक्सपीरियंस जो जिंदगी के मैंने जिंदगी गुजार के देखा है, और मैं बार बार इसलिए कहती हूँ जिंदगी गुजार के क्योंकि प्लीज अपनी जिंदगी से सीखें, हर दिन जो गुजर रहा है उससे सीखें। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब गलतियों से सीखते हैं।